बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान फिर से एक बड़े कानूनी झमेले में फंस गए हैं। इस बार लॉरेंस बिश्नोई नाम के नोटीरियस गैंगस्टर और बाबा सिद्दीकी के पॉसिबल मर्डर प्लॉट में ये केस उलझता ही जा रहा है, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं और इल्जाम काफी सीरियस है। आइए इस केस की पूरी कहानी और इसके सभी एस्पेक्ट्स को समझते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये किस्सा स्टार्ट होता है सलमान खान और बिश्नोई की धमकी के साथ। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच टेंशन काफी पुरानी है। ये सब 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस से शुरू होता है। इस केस में सलमान खान पर काले हिरन को शिकार करने का आरोप लगा था, जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए पवित्रता माना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से सलमान खान को बिश्नोई कम्युनिटी में काफी नफरत करने लगे। लॉरेंस बिश्नोई जो एक काफी फेमस गैंगस्टर हैं और कई स्टेट्स में अपना गैंग चलाते हैं, तभी से सलमान खान को धमकियां देते आ रहे हैं। 2022 में रिपोर्ट्स आए थे कि बिश्नोई के गैंग सलमान खान को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। बिश्नोई की धमकियां और भी सीरियस हो गई जब एक लेटर में, जिसमें सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जो उनके घर के पास से मिला था। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से क्या कनेक्शन है? बाबा सिद्दीकी जो एक वेल नोन पॉलिटिशियन और सलमान खान के पुराने दोस्त भी थे, रिसेंटली रिपोर्ट्स में उनका मर्डर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि अभी तक सिद्दीकी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। उनका नाम इस कंट्रोवर्सी में आने से केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। सिद्दीकी काफी फेमस थे। मुंबई के पॉलिटिकल सर्कल्स में उनकी एनुअल इरफ्तार पार्टी, जो बॉलीवुड स्टार से भी भारी हुआ करती थी और मीडिया का फेवरेट थी। अथॉरिटीज अब ये जांच कर रही है कि सिद्दीकी का सलमान खान के खिलाफ धमकियों से कोई लेना देना तो नहीं है, और क्या बाबा सिद्दीकी का इस अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं था। सलमान खान के घर पे फायरिंग में क्रिमिनल सुखा गिरफ्तार। अप्रैल 2024 में सलमान खान के बांद्रा रेजिडेंस के बाहर फायरिंग के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से सुखा अलियास सुखबीर बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया। सुखा जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है, पर उस पर सलमान खान को मारने की साजिश का इल्जाम है। पुलिस कहते हैं कि सुखा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सलमान खान को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तान से AK-47, M-16 जैसे हथियारों का यूज करने का प्लान बनाया था। नवी मुंबई पुलिस ने सुखा को पानीपत सेक्टर 29 से लोकल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया और इसे कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं। सलमान खान ने पुलिस को बताया कि उन्हें बिश्नोई गैंग पर पूरा शक है कि उन्होंने उनके घर पर फायरिंग की थी उन्हें और उनकी फैमिली को मारने के इरादे से। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत तरफ से की जा रही है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी के बीच कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रही है। बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद भी उसके गैंग बाहर काफी एक्टिव है और वो अपने ऑर्डर्स बाहर से भेज पा रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि अब सलमान खान को ज्यादा केयरफुल रहने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि पब्लिक अपीयरेंसेस कम करें और कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ना जाएं, और उनकी सिक्योरिटीज को और भी टाइट कर दिया गया है। इस सब के बावजूद सलमान खान अपनी शूटिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हर जगह ज्यादा सिक्योरिटी के साथ। इस केस का असर बॉलीवुड और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर काफी गहरा हो सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कानून इस केस को हैंडल कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही रियल इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें।